स्टर्लिंग चोपड़ा, परिवार का यह आरोप है कि सीबीआई देरी कर रही है, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे थे, परिवार कह रहा था सीबीआई जांच से ही सच सामने आएगा। क्या धीरज खो रहा है परिवार, या फिर सीबीआई में वाकई देरी कर दी है इस पूरे मामले में? शर्लिन चोपड़ा जी, मैम कुछ देर पहले मैं किसी दूसरे न्यूज चैनल पर थी और वहां पर यह कहा जा रहा था कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो ये मानना या ये कहना कि राज्य का या राष्ट्र का दबाव हो सकता है सीबीआई पर, ये गलत होगा। तो मैं ये विनती करती हूँ सीबीआई से कि जल्द से जल्द वो सुशांत के परिवार को और फैंस को इंसाफ दिलाएं, जो कुछ जानकारी उनको मिली है उस जानकारी के खुलासे करें, हमें बताएं कि 8 जून की रात को दिशा सालियन ने जो बात की थी सुशांत जी से, वो बात क्या थी, वो कौन सी जानकारी थी जिसके चलते कुछ हाई इन्फ्लुएंशियल लोगों को सुशांत से खतरा महसूस होने लगा, जिसके चलते उन्होंने सुशांत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब जब मैं ऐसा कहती हूं तो कुछ लोग कहते हैं अरे आपको ये सब कैसे पता, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन से यहां वहां से आप उठा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो जांच तो सीबीआई को देनी है ना रिपोर्ट। एक बार रवि श्रीवास्तव के पास मैं चलती हूँ, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। जी रवि श्रीवास्तव जी, 106 दिन पूरे हो गए, एक सेकेंड, सुशांत सिंह की मौत को 40 दिन हो गए सीबीआई को जांच पड़े हुए, और आप कह रहे थे कि देखिए सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, तो परिवार शिकायत कर रही है कि कोई इंसाफ नहीं दे रहा है, इतनी लेट हो रही है, और आप कह रहे थे वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है सुशांत की फैमिली को, उनकी मांग को लेकर सारी एजेंसियां इधर से उधर भाग रही है। अंजना जी, हाँ, सबसे पहली बात तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जांच इंक्वायरी कोई 2 मिनट नूडल नहीं होता, जो पानी गर्म पानी में डाला और खा लिया बना करके, ये चीजें समय लेती हैं। पहले आप सब लोग मिलकर के मुंबई पुलिस को कई शब्दों में कहूँ तो गालियां निकाल रहे थे कि उसने दबाव में आकर के 65 दिन तक ये नहीं किया, 65 दिन तक वो नहीं किया, अब कितना दबाव है भाई, अब तो 40 दिन हो गए, इन्होंने क्या कर लिया। देखिए जांच इतनी जल्दी नहीं होती है, आपको जिया खान का केस मालूम है, आपको आरुषि का केस मालूम है, 6-6 साल हो गए, आज तक सच्चाई उनमें से सामने नहीं आई। हमने जानकारी निकाली है आरुषि केस में कितने दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सीबीआई ने, दिखाई हमारे दर्शकों को, वो ग्राफिक डेटा भी हमने तैयार किया है। आप दिखा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सुनिए, कि जिया खान की माँ ने जहाँ तक कहा था कि जो एफबीआई की रिपोर्ट, ये जो विचरा रिपोर्ट है, इसको एफबीआई को भेजा जाए, मैं समझता हूँ कि अब जो फैंस है अगर वो इतना इम्पेशेंट हो रहे हैं तो उसे एफबीआई को ही रिक्वेस्ट की जाए कि भाई आप जांच। 51 दिन बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आरुषि केस में, मुझे पता था रवि श्रीवास्तव जी कि आप क्या दलील देंगे, इसीलिए ये डेटा मैंने निकाल कर पहले से रखा था। आरुषि केस का आपने जिक्र किया नहीं और वो डेटा हमने दिखा दिया। 51 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सीबीआई की तरफ से, अभी सीबीआई को केस सौंपे हुए 40 दिन हुए हैं। मिस्टर रवि श्रीवास्तव देखिए, ये दिनों की गिनती से कोई लाभ नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा है, गिनते रहते हैं सर सुबह शाम, ये काम रात के रात में होने वाला नहीं है। और मुझे एक चीज से बहुत आपत्ति है, जिस तरह से ये सीबीआई या एनसीबी या ईडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि आप उनको काम करने दीजिए अपना, आप इस तरह दबाव बनाएंगे तो एजेंसी कैसे काम करेगी। अच्छा ठीक है, शैलिन ये कह रहे हैं परिवार दबाव बना रहा है, मैं समझ गई, शैलिन ये कह रहे हैं परिवार दबाव बना रहा है सीबीआई पर, ये दबाव बनाना है जिस परिवार ने 106 दिन इंसाफ का इंतजार किया। शैलिन को दिखाई, वो कह रहे हैं परिवार दबाव बना रहा है इस तरह के कमेंट्स करके एजेंसी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि नहीं परिवार दबाव नहीं बना रहा है, वो बस अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो नाखुश हैं, वो बता रहे हैं कि वो थक चुके हैं इंतजार करते करते, और वो बता रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, वो चाहते हैं कि सुशांत के हथियारे जो हैं उनके नाम सामने आए और सीबीआई उनको बताए कि उन्होंने अभी तक क्या जांच की है।